आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास, पूछो कैसे। आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म ही नहीं होती। हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। वो कहते हैं ना, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। बस ऐसा ही कुछ गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर के बाद लग रहा है। 3 मिनट और 16 सेकंड के इस ट्रेलर ने मानो जबरदस्त धमाके वाला बॉम्ब फोड़ दिया है, जिसकी आवाज दूर दूर तक पहुंच चुकी है। जहां ट्रेलर के रिलीज होते ही हर तरफ बस आलिया भट्ट की दमदार परफॉर्मेंस और डायलॉग बाजी के चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। आलिया इस मूवी में गंगूबाई का किरदार निभाती हुई नजर आई है, एक ऐसी औरत जो प्यार के चक्कर में धोखा खाकर पहुंच जाती है मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा, और फिर शुरू होती है उसकी जिंदगी की एक ऐसी कहानी जिसे वो अपने दम पर लिखती हैं। कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुका कर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है भाई। संजय लीला भंसाली डायरेक्टेड ये मूवी 25 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। जहां ट्रेलर देखने के बाद ये बात तो पक्की है कि ये मूवी बॉलीवुड की डूबती नैया को पार लगाने का काम करेगी। बात करें अगर मूवी में दिखाए जाने वाली कैरेक्टर्स की, तो ये मूवी आलिया भट्ट के कैरेक्टर गंगूबाई को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएगी। जहां 1960 के आसपास का टाइम दिखाया जाएगा, आलिया भट्ट का लुक हो या फिर उनके बात करने का तरीका, उनके चलने का स्टाइल हो या फिर उनकी अदाएं, किसी भी एंगल से वो आलिया भट्ट नजर ही नहीं आती, और ऐसा लगता है मानो उन्होंने गंगूबाई के कैरेक्टर को घोल कर पी लिया हो। जहां एक तरफ आलिया के फैंस उनके बेहतरीन रोल को देखकर सुपर एक्साइटेड हैं, तो वहीं ट्रेलर में अजय देवगन भी दिखाई दिए हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि संजय लीला भंसाली ने उनके लुक पर भी पूरा ध्यान दिया है। तभी तो करीम लाला के रोल में अजय देवगन एकदम फिट नजर आ रहे हैं, और उनका एंग्री मैन वाला लुक उनके किरदार में 4 चांद लगा रहा है। बिरजू, तुझे क्या लगता है गंगूबाई भूख खाती है? ट्रेलर में जो एक शॉकिंग कैरेक्टर देखने को मिला है वो है विजय राज का। विजय राज इस मूवी में रजिया भाई का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि विजय राज का लुक ट्रेलर में आग लगाने का काम कर रहा है। जो लोग ये नहीं जानते कि ये कलाकार कौन है, वो भी उनके बारे में सर्च करने के लिए मजबूर हो गए हैं। संजय लीला भंसाली हमेशा से ही अपने डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं, और उनका ये नाम इस मूवी के साथ और भी मशहूर होने वाला है। मूवी में दिखाई जाने वाली लोकेशंस, गाड़ियां, कॉस्ट्यूम्स, हर एक चीज को संजय लीला भंसाली ने बड़ी ही बारीकी के साथ बड़े पर्दे पर दिखाया, जो ये साफ दर्शाता है कि आखिर क्यों इस डायरेक्टर को डायरेक्शन का किंग कहा जाता है। इतना ही नहीं, ऐसा बहुत ही कम डायरेक्टर्स कर पाते हैं कि मूवी का ट्रेलर भी रिलीज हो जाए और ऑडियंस ये भी ना जान पाए कि आखिर पिक्चर में होने क्या वाला है। उन्हीं चुनिंदा डायरेक्टर्स में से एक संजय लीला भंसाली हैं। ट्रेलर को देखने के बाद भी आपको अंदाजा नहीं लगने वाला कि मूवी में क्या होगा, तो ये तो आने वाली 25 फरवरी को ही पता चलने वाला है कि आखिर ये मूवी आलिया भट्ट को कौन सी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली है। और साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि गंगूबाई के कैरेक्टर के लिए आलिया भट्ट को चूज करना संजय लीला भंसाली के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ। तो अगर आपने गंगूबाई काठियावाड़ा का ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है, तो फटाफट जाइए और ट्रेलर देखकर अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।